हे एवरीवन, सो वेलकम टू माय व्लॉग। तो मुझे तो सुबह जो करना था मैंने किया, लेकिन मुझे बिल्कुल 1% भी आइडिया नहीं था कि आज ही प्लान बन जाएगा पापा के पास जाने का। तो मेरा तो वीरवार का फास्ट था, तो सुबह पहले मैंने घर में पूजा की, फिर मैं मंदिर में आ गई थी मम्मी के साथ, मैं और मम्मी आ गए थे। तो मुझे तो 1% भी आइडिया नहीं था, मतलब सुबह सुबह किसको ही क्या आइडिया होता है। फिर उसके बाद घर गए, फिर खाना वगैरह खाया, फिर काजल उठी तो बोलते कि चलो पापा के पास चलते हैं ये वो। मैं कहा देख लो, मेरा तो मन नहीं है। इसके पीछे भी एक रीज़न था क्योंकि मेरा मन क्यों नहीं है। सो गाइस, मंदिर से आ गई, पूरा 1 घंटा लग गया मंदिर में। सो गाइस, कुछ खाया तो है नहीं, पानी पी रही हूँ मैं अभी। सो गाइस, पानी पी लिया, नाउ दिस इज़ माय चाय। हालांकि मेरा फास्ट था, लेकिन मैंने कुछ खाया भी नहीं था, और फिर भी मैंने वर्कआउट किया, क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो तो मैं अपनी क्लासेस छोड़ती हूँ, वरना मैं नहीं छोड़ती। तो चलो मैं ये बताती हूँ कि मैं पापा के पास क्यों नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि आज से आई थिंक 10 साल पहले शायद, या 7-8 साल पहले, मतलब एक इंसिडेंट हुआ था कि जब पापा यहाँ पे आए थे और फिर यहाँ से गए थे। तो मतलब मैं स्टार्टिंग से ही ऐसी हूँ, मैं मेरे पापा के मतलब दिल से काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, कि मतलब एक होता है ना कि हाँ, आप लोग समझ सकते हो कि एक बच्चे का और बाप का क्या सिस्टम होता है। तो मैं रही हूँ मेरे पापा के साथ, चाहे मैं थोड़ी बहुत रही हूँ, तो मैं मतलब आई वॉज़ फॉन्ड ऑफ माई फादर, ठीक है। तो मैं नहीं रह पाती थी मेरे पापा बिना। मैं मेरी और जो मेरे पापा की जो बातें हैं वो मैं बताऊंगी, तो मैं मेरे पापा के बिना नहीं रह पाती थी, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मेरे पापा से। तो फिर हम गए थे, पंचायत वगैरह हुई थी पापा को लेने, तो उस टाइम जब पंचायत हुई थी तो मैं भीख मांग रही थी पापा से, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब हद से ज़्यादा रो रही थी। मैंने पापा का हाथ पकड़ रखा था, हालांकि पापा वहाँ पंचायत से भाग गए थे, और भाग के मतलब उधर चले गए थे जहाँ पे भैंस वगैरह है शायद। मतलब उस टाइम मैं छोटी थी, मेरे को जितना याद है मैं इतना बता रही हूँ मेन। तो फिर मैंने मतलब पापा को बोला कि मतलब भाई मैं नहीं रह सकती आपके बिना, चलो चलो घर चलो। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, हद से ज़्यादा रो रही थी। तो उस टाइम पे पापा ने मेरे को इग्नोर कर दिया था और मेरा हाथ झिड़क दिया था। तो उस दिन मतलब मेरे को ये चीज़ फील हुई थी कि मतलब सिर्फ ये जो मम्मी पापा के जो शादी के कागज़ हैं, यही चीज़ें सिर्फ इनको जोड़ के रखी हुई थी, और मतलब पापा के दिल में जो प्यार व्यार था वो सब ख़त्म हो गया था। तो मतलब मेरे को ये हुआ, मतलब उस टाइम मेरे को फ़ील हुआ कि मतलब तुम लोग फील करो कि कोई तुम किसी के आगे प्यार की भीख मांग रहे हो, किसी इंसान को मांग रहे हो, और वो तुम्हें लात मार दे तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी। तो मतलब उस दिन के बाद मैंने सोच लिया था कि भाई रहना पड़ेगा पापा के बिना जैसे तैसे भी, और करना पड़ेगा, मतलब अब ऐसे ही रहना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन है पापा के बिना ही रहना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ में बस उस दिन जो फील हुआ, उस दिन के बाद मेरा दोबारा मन नहीं किया जाने का, मतलब जाने का मन नहीं किया, बट वही बात है जो दिल में होता है उस चीज़ का क्या कर सकते हैं। मतलब वो एक जो अटैचमेंट होती है, देखो यार बाप तो बाप होता है, जो एक बाप वाली फीलिंग होती है वो आसानी से जाती नहीं है कि हाँ यार ये मेरा पापा है, मतलब जीते जी तो नहीं जाती यार, मरने के बाद जा सकती है। उस टाइम जो फील हुआ था, तो मैं वहाँ से आ गई थी, मैं वहाँ रहना नहीं चाह, मतलब मेरे को ये था कि क्या ही करना। तो यहाँ पे मैं वर्कआउट कर रही थी तो काजल आई मेरे पास और कहती है कि तेरी बैग तो बिल्कुल है ही नहीं, वैसे तो तू वर्कआउट करती रहती है, इतनी पतली सी है तू, काजल कह रही थी, और फिर ये ऐसे मजाक करके चली गई। तो मेरे लिए मेन ये था कि इतना कुछ मतलब लाइफ में मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, मैं धीरे धीरे बताऊंगी स्टोरीज़ के छोटे छोटे पार्ट, क्योंकि एक व्लॉग में तो नहीं आ पाएगा ऐसा, तो छोटे छोटे पार्ट बना के मैं भी धीरे धीरे स्टोरी टेलर में बताऊंगी। बट मैं वहाँ ना जाने का रीज़न मेरा यही था कि मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, कि यार जब पता ही है, तुम लोगों ने भी देख लिया कि नहीं वो नहीं आएंगे, वो पता है क्या सिचुएशन है, वो नहीं आएंगे, तो फिर क्या भीख मांगनी, क्या गिड़गिड़ाना बार बार, क्या वही मुद्दे उठाने बार बार, जो 30-35 साल से बार बार वही मुद्दे चल रहे हैं। अब 30-35 साल एक ही बात को पीट पीट के, मैं तो वैसे भी इतनी मतलब वीक होगी इन चीज़ों को लेके,
फिर आगे क्यों बार बार वही चीजें करनी। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि पायल वहां पे जाके नहीं बोली, पायल वहां पे इसलिए नहीं बोली क्योंकि फास्ट था, बस यही कारण था। तो 7-8 घंटे से कुछ खाया नहीं था इतनी ठंड में, और तो भूख लग जाती है, तो फास्ट की वजह से मैं नहीं बोल पाई। मेरे को फास्ट में ये होता है कि जब मैं फास्ट में ज़्यादा बोलती हूँ, ज़्यादा गुस्सा दिखाती हूँ, तो मेरे गले में थोड़ी खराश हो जाती है, तो इसलिए मैं नहीं बोली थी। और ये सारी स्टोरी बताऊँगी मैं। गाइस, 1 बजे खाने लग रही है तड़की का खाना। पर तुम को नहीं खा कर दे नमक नमक खा ले जरा अंत नहीं तो दर्द कैसी बात कर दी। सो गाइस दिस इज माय एप्पल। सो गाइस वी ऑल सेट टू गो। ये रेस करेंगे बिट्टू का अमीर रात के साथ बिट्टू तो गर्मी लगे स्पोर्ट में तो घोड़ी भी आता है। मेरी गलती अच्छा साइन कर दिया सारे कर्जा पर तनख्वाह ले गया। मेरे को तनख्वाह भी नहीं ले जासके था सिला के माई इन्हें तनख्वाह भी नहीं मिला मेरे कारण मिली होगी मन साइन करे गुंठे लाए कदे इतना चून ना पथलिया हो पानी की टोकनी ना ले आई हो ये काम को नहीं। मैंने को तेरे घर तक कदे बाहर गई जैसा लड़ रही चून बनाए इतना ऊपर उठ उठ का और 13-14 साल की उम्र थी जब आई। अरे कोई गलत काम करे हो कोई बाहर का कुछ नहीं करे काम कर 2 मिनट का टाइम है चाय पी और छल तो गुना वगैरह जा के बाहर जा रहे सारे मैं भी जाऊं हूं वो सा आ गया चांद पंगा कौन जा कौन क्या का पंगा करवाओगा तू मैं नहीं हूं मैं बाहर जाऊं हूं कौन करावा अरे छोरी आई मिलन खातर मेरा क्यों मार देगा तू थप्पड़ मेरा क्या के नाम का मार देगा थप्पड़ मेरा क्या गलती दुखे नुकरा बोलिया चुपचाप तली कर जाने तेरा थप्पड़ मार फिर मना के कह दिया थप्पड़ मारने का कौन खा लेगा।
वो काबू में भी जाता कर अभी रोपी आवे फिर रोपिये को नहीं आऊंगे मर गया तो बात करनी थी बात कर दे बात करन तो पहले नु बोलण तो लणा ला जो अरे के लेना ए छोरा है ने अरे के न काट कर देगा बाद जो नु जमा बंदो बोले यार काय के जम काया कर नु को बुढ़िया दोर बैठी थी बात यहां कोई रोला करन थोड़ा यार नॉर्मल नु आए कुछ ले आए हां लाठी बंदूक कट्टा कुछ ले आए खाली आए गलती की माफी मांगी को नहीं याद है नी याद नहीं देखो फिर रात में आए थे गेल रोशनी देर पर वो आई थी मेरी सभी भाभी आज क्या नहीं पाए तन तो उसकी आएगी 21 साल की और रीना भी देख ले एक बार यार क्या की हो रही और मैं हो रही 22 साल की तो और तेरे दादी का सिर पर दरवाजे के राम मरण की और चारी दरवाजे तू भी 22 की हो रही हो ये तो लपकड़ मैं तो 22 की हो रही लादर देश के सर पाथ मैंने कहा तो जमा चुरन दरवाजे सर पाथ दर दे दर दिया पायल है या तेरे पोती पायल ये तो ड्राइवर है कोई कोली ना तेरी फोटो खींचूंगी ड्राइवर है गाड़ी ले आई हां गाड़ी फिर से नाम था भाई उसके बाबू ने पैसे नहीं करवाए बंदोड़ का अरे ले बात का जी से बात पर उठ के पटा दे क्या है प्रवेश की थोड़ी मैंने मेरा तो बात जान लो ना पांच तो छोरो रे हां उड़ा जाऊं और बैग में रुपए लेकर और भाई जी के ऑर्डर जो कर यू तो हमारा घर है थोड़ी दूर चाहिए पेंदर को ये दी हॉस्पिटल का हां हां अरे भी कड़े से था लोग मकड़े ना पर पीछे दे मर दाई बोली छल ले दे मर हां 3,60,000 के लोग एक मामले ने बेटा किस तक के जा रहा है मैं तो बस निकल फाल हो रहा था पेट्रोल पंप पर काम करे मैं था रजिस्टर का बनोली उस तो बाद सबर फैक्ट्री में सब बनाओ मैंने बना 14 अच्छा प्लास्टिक के डब्बे में सुनो एक मिनट 14 लाख थे 14 मत 7 मेरे थे 7 खजान के थे 14 लाख मत तलाक में 3 लाख तो मिले 3 लाख तलाक में मिले हैं 7 तो उसके हो गए 7 मेरे क्यों भाई गलत बात है यार गवर्नमेंट ने कह दिया था भी 7 तेरे 7 इसके अगर तलाक 3 है से पीछे पड़े चार है चार है चार है लड़की है चार है लड़की है चार है नुका तीन नंबर बेटिया कहीं का आया है 1 लाख रुपया बंडा है पूछ ली नया बात है कैसे कर ले गए थे 7 लेकर आया अरे पूरा का क्या बात हुई थी बेटे के 3 4 से हो गया 4 से हो गया 4 से मत हम दे 4 से बड़े हैं कोर्ट में लिखते हैं ना ना लिखते हैं कोर्ट में कागज में उसके माने के बेरा अब भी मैं तो नगर भी दे उमर छोरिया ने ब्याह में जो जुबान करी थी नहीं इसलिए वह कॉपी नू रखी थी वकील के घर नहीं तो थारे वकील वो तो वकील ना ने मेरा हुई था वकील ने मेरा है आदुशन बाण कर गई तो वकील के गले के ने करवाया अभी 3,07,000 तो भी क्यों जब लोग लगाया के पीछे है और तलाको है तो 7 उसके 7 मेरे 14 बन गए अरे ले 3 लाख फालतू जैसे 10 लाख कर दे रे क्या लगा
मिल जाएगी वा उसका नंबर ही पता ही नहीं है मेरी माँ का नहीं मिला ले पाले छोरे का नंबर ले बलदेवा मिला था मेरी बात सुन हाँ वो करया था या बात वो फिर आया था उधर फोन मार तक कुमार का फोन पाने पे चल रहा है उसने भी या बात बता ही नहीं रही थी कि फोटो देखने पड़ेगा बाप का काम है वो जान जाते घर में बैठे लाग लोग का छोरे का तो करवाओ कड़ी ये कभी नहीं करा सकते ना तू है नहीं बस आई तेरी दीदी करता बस आधा क्या है ये नहीं करा सकते सारा कुछ दाल पीनी ने अपने की मान ये अपने का कर लियो बेटे अच्छा जो मम्मी मम्मी दाल के और किल के मारा कड़े कुछ इनका बहु किन ना दे दी सारिया सारी बहु दे दी इनका पागल थे वे आगे एक के उसमें दो दो दे के बोली इनके बस की नहीं बात थारी कुछ भी देखो आके ले ना बेटी कड़ी सही न्यू आ की शादी की साइन सा पढ़ा ले रिश्ता नहीं हां कड़ी बात चले तो इनके भरोसा कर रही हूं ना दारू पीने इन ने हंगामे तो एक तो नहीं अगर बार अच्छा और बढ़िया अगर थार पपी से हो ना नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ दियो पांडा छूटे बड़ा ठोने के लिए चीज का भी करेंगे सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा एक तो बराबर की टक्कर का नौकरी आया तुम दे हां नौकरी पोकरी का बिना नौकरी का मिल जो तू नौकरी नौकरी के तो बतेरे मिल से करवा फेरा पाछा भी नको वे नकली बात है नकली कोनी मैं नकली नहीं कर रही सारी बात मेरे नकली न्यू है बाबू ने देखा श्रबी जब अगली बातें नहीं करती फोन में करवा दी नहीं तो इसका नंबर ले लेना फिर तू ले ले पाप ले छोरे का नंबर सपना के थोड़े रिश्ते बता मैं करती कोनी या नहीं दारू पी रहे हैं रिश्ता नहीं होता 98 छ में हां इसका ले जो ना तंत्र ले सात सात दुनिया फराड़ मारा सुनियो बिकन दे नंबर पर गाड़ी आ जाए एक बीस की है स्तंतर चल दी 15 मॉडल है यो मतलब डीजल में चल रहा एक बीस की रहे अपनी बुलेट बेच के बाइक भी बेच दी माना बुलेट भी बेच दी नो आई मोड़ छोड़ दो मैं पढ़ा लिखा दुनिया की सुन सुन का तो बैठी गाली पे कोगी उसमें तो कुछ है नहीं तो अच्छा गली चल तो सारे आम आका ने पूछो लाल चाची या चीज करते ले आई थारा कमाई करता आई और ना ये मरने जुड़े मानी बलान दे कोई मरा है जो बुढ़ा मरा किसे ना नहीं पता दिया इब थम नू कहो बे थम खुद क्यों नहीं आई बताया तो उसका है चल आना तुम्हारा खुद का है बदल दे का नंबर है मेरा पर्सनल नंबर है मेरा बहुत कॉन्टैक्ट ये नंबर इसका सारे फोन कर कानू तो कैश को थे भी आज मर गया क्योंकि मरता तो कोई कह रहा परसू मरिया कोई कह रहा तरसू मरिया इनके बस की बातें दारू पीने ना मित्र ने जाते हैं दारू पीनी हो तो ऐसी इन दो रहते हैं ओन रिपोर्ट कर दारू पीनी हो तो रहते हैं एक सौ बीस की बोतल भेज दू लैब ले कितने के दारू की खाली अरे कुछ आंदा क्या था नहीं इतनी दारू पी हुआ फिर कुछ आंदा क्या था नहीं इतने बीमार भी नहीं होंगे कुछ होंदा भी नहीं इतनी पी हुआ कोई सही सही को नहीं उन्हें भी छड़ा गाड़ दिया मैं क्या कर सकूं मैं जाऊं फिर मैंने कुछ समझा नहीं मैं खुद निश्चित हूँ लोगों का नज़र नहीं भी पिंडा तो भी कह देंगे ठेके पर आवा सोफी रहने चक्रिया लोग हम खुद जाके बीबीस टी साथ भेजेंगे मैं गाड़ी चलाऊं मैं तो दुनिया पिलावा लेकिन मैं भाई इस टाइम खुद दे रहा है बंदा लिया मैं मतलब काम के
ये बाबू की तो बैच गया मेरे आगे पछा नहीं कोई होया तो इनके गिल कौन लागेगा अपने बिरादरी में करने की सोच रहे पप्पू के रहे शमशेर के रहे सारे खाएगी रे हैं मुंह पकाए दूंगा मैं बड़ी पंचायत में खाएगी रे ते वहां तो साठ कुत्ते हैं सुफेरी नशेड़ी फीम गंजा कोई नहीं गम्मा का हाउस में बंद कर लेना कर कर लिया सारी यार के काम नहीं आ करते एक पायल हां लोग शूट करना थोड़ा सा देखा रो आप देख रो भी सीधी सीख रहा है थोड़ी ना डांगरा का वाल हो जाएगी जी वाल को दे दियो देखो बेटा बन जाएगी ला ये जमीन खरीद रखे है बाबू ना हां खरीद के दो का जाया ओ 70 को तो बड़ा है डांगरा का तो नो का है ज्यादा 70-80 तो कोनी वो बात दे मत दोनों काटड़ी ना लिए नहीं दो बाद लेवा काटड़ी ना लिए बुके दो दाद लेवा है के वो गुंडा सरा है काजल वीडियो बना ले बनांदी हो तो चला आता कट दी किने अपना नजर आवे वहां तो यही ड्रामा हुआ और वहां से आने के बाद फिर हम मौसी के चले गए थे सरडा और फिर वहां पे मैंने अपना फास्ट ओपन किया रोटी खाई घी बूरे के साथ और साथ में थोड़ा सा दूध लिया और चाय भी पी थी तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मैं। सो गाइस हम वहाँ से आ गए थे एंड मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया कच्चा मन हो गया क्योंकि कुछ तो ठंड भी थी ठंड में ट्रैवल करना एंड ऑल और फिर मेरा फास्ट भी था तो पूरा दिन तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था मतलब मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि जब तक मैं रोटी वगैरह नहीं खा लूँ मेरे उसके अलावा चाहे मैं कुछ खा लूँ मेरे को कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं है तो बस एनर्जी लो थी एंड तबीयत भी वैसे इतने दिन से ऐसे ही है बस इतने ठंड में तो अभी आए आके कपड़े वगैरह चेंज किए मैंने मुंह धोया और हैंड वॉश करे मुझे बाहर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है लोग ना हैंड वॉश करने के लिए कुछ रखते ही नहीं हैं तो हैंड वॉश किए मैंने